नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसे देख सकें। तो पृथ्वी की भूपरपटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी की जो भूपरपटी होती है, जो ऊपर की ये परत होती है, ये धातुओं का बहुत ही बड़ा स्रोत है। तो समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित होते हैं। तो जो समुद्र होता है उसमें सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे लवण उपस्थित रहते हैं। तो पृथ्वी की भूपरपट्टी, जो पृथ्वी की भूपरपट्टी है उसमें प्राकृत रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक हैं उसे हम खनिज कहते हैं। तो कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को क्या कहेंगे, हम अयस्क कहेंगे। अयस्क उन खनिजों को कहेंगे जिस जो कि उसमें खनिजों में ज़्यादा अधिक मात्रा में हमें धातु प्राप्त हो और उस धातु को प्राप्ति करना बहुत ही लाभकारी हो और कम लागत में वो हो जाए, तो उसे हम अयस्क कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, हम धातुओं को कैसे निकाल सकते हैं। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में हम तो पढ़ ही चुके हैं, तो इसीलिए आप अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण हम कैसे करते हैं। तो कुछ धातुएं भूपरपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ धातु ऐसे होती हैं जो भूपरपट्टी के अंदर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाते हैं। तो कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में भी मिलती हैं। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले में जो सबसे कम क्रियाशील धातु है वे स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए जैसे हम लेते हैं गोल्ड जिसे सोना कहते हैं, सिल्वर जिसे हम चांदी कहते हैं, प्लेटिनम एवं कापर, तांबा, स्वतंत्र अवस्था में ये सब पाए जाते हैं। तो कापर एवं सिल्वर, जो सिल्वर होते हैं वो अपने सल्फाइड के सल्फाइड या ऑक्साइड इन दोनों अयस्कों में ही संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर की धातुएं होती हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये इतनी अभिक्रियाशील होती हैं ना कि ये कभी स्वतंत्र अवस्था के रूप में पाई ही नहीं जाती। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य की जो धातुएं हैं उसमें जिंक, फेरस और लेड, ये अभिक्रियाशीलता में इसमें जो होते हैं ना ये मध्यम अभिक्रियाशील होती हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है ना कि जिंक, फेरस, लेड, कॉपर, ये सब मध्यम क्रियाशील के अंतर्गत आती हैं। तो भूपरपट्टी में ऑक्साइड या सल्फाइड या कार्बोनेट, अगर भूपरपट्टी में ये मुख्यतः जो होते हैं ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट के रूप में ये पाई जाते हैं। तो हम देखेंगे कि कई धातुएं अयस्क होते हैं जो ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अधिक अभिक्रियाशीलता से पृथ्वी में इनकी प्रचुर मात्रा पाई जाने के कारण ऐसा होता है। तो ज़्यादातर अयस्क किसके रूप में पाए जाते हैं, ऑक्साइड के रूप में। ये क्यों पाए जाते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो होती है वो ऑक्सीजन की बहुत ही अधिक मात्रा पाई जाती है, इसीलिए ये जितने भी खनिज होते हैं अयस्क होते हैं वो बहुत ज़्यादातर ऑक्साइड के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को तीन वर्गों में बाँट सकते हैं, जिसमें पहला होगा निम्न अभिक्रियाशील धातुएँ, उसके बाद मध्यम क्रियाशील धातुएँ, उसके बाद उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। तो निम्न क्रियाशील धातुओं में आते हैं जो क्रिया जल्दी नहीं करते या क्रिया नहीं करती, मध्यम में आते हैं जो कि मध्यम क्रियाशील वर्ग होते हैं, और उच्च में जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए हम कौन सी तकनीक अपनाएंगे, इस वीडियो में हम इसको देखेंगे। तो अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण हम कई चरणों में होता है। जो अयस्क होता है अगर उससे हम धातु निकाल रहे हैं तो उस अयस्क से धातु निकालने में हमें कई चरण करने पड़ते हैं, तब जा करके हमें ये शुद्ध धातु मिलती है। तो ये जो चरण है इनका सारांश चित्र 3.10 में आगे दिया गया है। तो इन भागों में हम प्रत्येक चर्चा नीचे विस्तृत से करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो अयस्क होता है इसका पहले सांद्रण किया जाता है। अयस्क का पहले सांद्रण होगा तो उस सांद्रण को हम तीन भाग में बांटेंगे, उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और निम्न अभिक्रियाशील धातु, इन तीनों में हम उन्हें बांट देंगे। इसके बाद जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है उसमें हम गलित धातु का विद्युत अपघटन कराएंगे, ये विद्युत अपघटन द्वारा ही होता है, और शुद्ध धातु जो होती है तब जाके हमें प्राप्त होगा। मध्यम क्रियाशील को हम दो भागों में बांटेंगे, जो मध्यम क्रियाशील होता है वो अपने कार्बोनेट अयस्क
और सल्फाइड अयस्क के रूप में होता है। तो जो कार्बोनेट अयस्क होता है इसे हम निस्तापन से निकाल लेंगे, और जो भर्जन होता है इसे हम सल्फाइड अयस्क। तो इन दोनों की क्रिया से जो भर्जन और निस्तापन होता है इससे हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या? धातु का ऑक्साइड। उस धातु के ऑक्साइड में हम किसी अपचयन का उपयोग करके उस धातु का हम शोधन करते हैं या उस धातु को हम प्राप्त कर लेते हैं। अब आता है निम्न अवक्रियशील धातु जो होते हैं, ये ज़्यादातर किसके रूप में पाए जाएंगे? ये ज़्यादातर जो होते हैं ये सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में? सल्फाइड के। तो इस अयस्क सल्फाइड को क्या करें, हम पहले भर्जन करेंगे तब हमें धातु प्राप्त होगा, धातु का तब हम निरीक्षण करेंगे या उसका परिष्करण करेंगे। तो आइए हम इनके बारे में एक एक करके विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमारा पहला होगा कि अयस्क का समृद्धिकरण, अयस्क जो है इसे हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो होगा कि पृथ्वी में खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं। जब हम पृथ्वी से किसी भी खनिज को निकालते हैं, अयस्क को निकालते हैं, तो उसमें बहुत सारी मिट्टी, रेत ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे? गैंग कहेंगे। और धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियाँ हटाना बहुत ही आवश्यक हो। अगर आप धातु को निकालना चाहते हैं अयस्क से, तो पहले आपको अयस्क से अशुद्धियों को निकालना होगा, तब जाकर के आप अयस्क से धातु निकाल सकते हो। तो अयस्क से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है वो अयस्क और गैंग, जो हम प्रक्रिया करेंगे कि अयस्क ऐसी कौन सी प्रक्रिया करें कि अयस्क से गैंग निकल जाए, इस प्रक्रिया को हमें करने के लिए अयस्क और गैंग इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पे ही आधारित होंगे कि हम कौन सी तकनीक लगा करके इसे निकालें। इन ये अयस्क और गैंग के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पर ही आधारित होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सक्रियता श्रेणी में नीचे जाने पर धातुओं का परिष्करण कैसे होता है, उसका निष्कर्षण कैसे होता है। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली वस्तुएं जो होती हैं ये काफ़ी अनभिक्रिय होती हैं, मतलब कि ये क्रिया नहीं करती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही हमें धातु प्राप्त किया जा सकता है। तो उदाहरण के लिए सीनाबार HGS जो एक मरकरी का एक सल्फाइड अयस्क है, तो इसे वायु की अगर हम उपस्थिति में गर्म करेंगे तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी। तब जब हम इसे और भी अधिक गर्म करेंगे, उसे और भी अधिक गर्म करेंगे, तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो मरकरी में अपचयित हो जाएगा। या फिर हम इसे न गर्म करके इसमें कार्बन से क्रिया करा दो, तो कार्बन क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को अपचयित कर लेगा। तो उस पारे से, जो पारे का जो ऑक्साइड है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, उससे कार्बन जो है उसे खींच लेगा, तो इससे हमारा मरकरी प्राप्त हो सकता है। तो इसी प्रकार जो प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड के रूप में उपलब्ध जो तांबे होते हैं, ये केवल वायु में गर्म करने से अयस्क निकल जाते हैं। अगर इनको केवल वायु में गर्म ही कर दिया जाए तो ये धातुएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो जैसे कॉपर सल्फाइड है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने इसे गर्म किया तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिला और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस से निकल गई। तब हम क्या करेंगे, हम कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें तब Cu प्राप्त होगा कॉपर, और उसके बाद SO2 गैस, तो गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं कि सक्रियता श्रेणी के मध्यम वाले जो होते हैं उनका निष्कर्षण हम कैसे करते हैं। तो हमने देखा कि जो बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं नीचे, उसके धातु का निष्कर्षण तो देख लिया कि ये गर्म करने से निकल जाएंगे, और सक्रियता श्रेणी के जो मध्य में आते हैं उनका परिष्करण कैसे होगा ये देखते हैं। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित जैसे आयरन, लेड, जिंक, ये कॉपर आदि, ये सभी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती हैं। इनके जो अभिक्रियाशील करते हैं ये मध्यम वर्ग के आते हैं। तो प्रकृति में यह प्राय सल्फाइड और कार्बोनेट, मध्यम वर्ग के जो भी धातुएं होती हैं ये प्रकृति में सल्फाइड और कार्बोनेट इन्हीं के रूप में पाई जाती हैं। तो सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को अगर उनके हम ऑक्साइड से प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। आप सल्फाइड और कार्बोनेट की अगर तुलना करें तो धातु को अगर हम उनके ऑक्साइड में परिवर्तित कर दे रहे हैं तो हमें बहुत ही जल्दी और कम ही लागत में ऑक्साइड, उस ऑक्साइड से हमें धातु प्राप्त हो जाएगा। तो इसे अपचयन करने के लिए पहले हम धातु सल्फाइड या धातु कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड के रूप में बदल देते हैं। तो जब धातु सल्फाइड का जो अयस्क होता है, अगर वायु की उपस्थिति में हम उसे अधिक ताप पे गर्म करेंगे तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को भर्जन कहेंगे। जब किसी
सल्फाइड अयस्क को हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं या वायु की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो वो ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, जो कार्बोनेट का अयस्क है, अगर उसे हम सीमित वायु में ही गर्म करें, सीमित वायु का मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, क्योंकि कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो CO3 होता है, उसमें पहले से ही ऑक्सीजन उपस्थित है, तो गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। भर्जन क्या था कि सल्फाइड के अयस्क को जब हम ऑक्साइड में बदलते हैं तो उसे भर्जन कहते हैं, और निस्तापन क्या है, जब हम कार्बोनेट के अयस्क को ऑक्साइड में बदलते हैं तब उसे हम निस्तापन कहते हैं। तो जिंक के अयस्कों में भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। हमने भर्जन किया तो ZN लिया, ZnS जिंक सल्फाइड, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो हमें क्या मिला, जिंक ऑक्साइड और SO2 गैस निकल गई। तो निस्तापन में हमने क्या देखा कि हमने जिंक कार्बोनेट लिया तो उसे गर्म किया वायु की सीमित मात्रा में, तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो इसके बाद कार्बन जैसे उपचायक या कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है। अगर ये हमें ऑक्साइड के रूप में, अगर कोई भी धातु में ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो गई है, तो कार्बन जैसे अपचायक को लगा करके हम उस धातु ऑक्साइड से धातु को निकाल सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अगर हम गर्म कर रहे हैं तो जिंक में जो धातु में अपचयित हो जाए, तो जिंक ऑक्साइड था कार्बन, तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है वो कार्बन में चला गया, अपचयित हो गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी, वायुमंडल में चली गई। तो पहले अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रम से हम पहले से ही जानते हैं कि ये ऑक्सीकरण जो होता है, किसी भी पदार्थ जो किसी कोई भी यौगिक किसी दूसरे तत्व में ऑक्सीजन को देने की क्षमता रखता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन प्रक्रम क्या होता है कि जब ऑक्सीजन घटता है और हाइड्रोजन बढ़ता है तो उसे अपचयन प्रक्रम कहते हैं। तो धातुओं को उनके यौगिकों के रूप में प्राप्त करना ही अपचयन प्रक्रम है। जब हम धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त कर लेते हैं तो उसे हम अपचयन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से हमने जिंक प्राप्त किया तो ये अपचयन प्रक्रम हुआ। तो कार्बन जिसे हम कोयला कहते हैं, इसका उपयोग कर धातु के ऑक्साइड से धातु का हम अपचयन करके करने के अलावा विस्थापन अपक्रिया का भी इसमें उपयोग कर सकते हैं। जो हमने कार्बन यहाँ पे लिया था उसकी जगह पे हम क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अत्यधिक जो अपक्रियाशील धातु होती है जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनमें जो होते हैं ना, ये अपचायक के रूप में इनका उपयोग किया जा सकता है ना, तो ये अपचायक के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं जो अधिक अपक्रियाशील होते हैं। मध्यम क्रियाशील अगर हमको कोई भी धातु का निष्कर्षण करना है तो अधिक क्रियाशील से उसकी क्रिया कराने के बाद हम उससे अपचायक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशील वाले जो धातु होते हैं उनके यौगिकों को ये विस्थापित कर देंगे, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हुई, उनके यौगिक को विस्थापित कर दे रहे हैं अधिक अभिक्रियाशील हुआ। तब मैग्नीज डाई ऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ हम गर्म करते हैं। जो हमने मैग्नीज डाई ऑक्साइड लिया उसे हम एल्युमिनियम के साथ गर्म करते हैं। तो हमारा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड और एल्युमिनियम, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीज और एल्युमिनियम ऑक्साइड और उष्मा, तो ये हमें प्राप्त हुआ। तो यह जो विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही अधिक उष्मा क्षेपित थी, क्योंकि इससे क्या निकला था, उष्मा। इससे उत्सर्जित उष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। इससे इतनी ज्यादा उष्मा निकलती है कि हम जो धातु प्राप्त कर रहे हैं वो गलित अवस्था में प्राप्त होती है, वो गल जाती है, पिघल जाती है। तो वास्तव में जो आयरन सल्फाइड होता है Fe2O3 के साथ अगर हम एल्युमिनियम की अभिक्रिया कराते हैं तो रेल के जो मशीनी पुर्जे में जो दरारें होती हैं उन्हें जोड़ने के लिए हम इस अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं, इसे हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जो रेल की पटरियां होती हैं उन अगर वो कहीं फट उट जाती हैं तो हम उसे कहते हैं कि ना, अगर वेल्डिंग कराना है तो उसी का उपयोग जो है हम आयरन और एल्युमिनियम इन दोनों की क्रिया कराने के बाद जो उसमें से ऊष्मा निकलती है उसी से हम उसे जोड़ सकते हैं। तो Fe2O3 और एल्युमिनियम Fe और AlO3, एल्युमिनियम ऑक्साइड और ऊष्मा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो वस्तुएं होती हैं या फिर धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण हम कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे
अभिक्रियाशीलता श्रेणी में, जो अभिक्रियाशीलता की श्रेणी, वो सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं, बहुत ही अभिक्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ, अगर हम इन्हें कार्बन के साथ गर्म करें तो ये यौगिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती हैं, इनके हम उपचायक के रूप में या फिर इन्हें गर्म करने से हमें यौगिक प्राप्त नहीं होगा। उदाहरण के लिए, जैसे कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के जो ऑक्साइड का अपचयन कर हम धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ये सब अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं, तो अगर हम इनके ऑक्साइड को अपचयन करें तो ये धातु जो है ये इनमें परिवर्तित नहीं होंगे। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। जो बंध है कार्बन का ऑक्सीजन के प्रति होता है, उससे कई गुना ज्यादा इन धातुओं का जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आते हैं ऑक्सीजन के प्रति इनका होता है। तो इस जो धातुओं का विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा किया जाता है, तो विद्युत प्रवाहित करके हम इन धातुओं को अलग कर सकते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। जो सोडियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम है, इनके जो क्लोराइड होते हैं या फिर इनके आप कह सकते हैं कि जो विलयन होते हैं, उनमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से हमें प्राप्त होंगे। तो जो कैथोड जो होता है, ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड होता है, इस पर धातुएं निक्षेपित होती है। तो एनोड होता है, इसे धन आवेशित इलेक्ट्रोड कहा जाता है, इस पर क्लोरीन मुक्त होती है। ये क्यों? जो ऋण आवेशित होता है उस पर धन आवेशित कण जाते हैं, और जिस पे धन आवेशित होते हैं वो उस पे ऋण आवेशित कण जाते हैं। तो कैथोड पर कौन सी कण ऋण आयन, ये तो ऋण है, ऋण इलेक्ट्रोड, तो इस पे Na पॉजिटिव आएगा। और एनोड जो कि ये एक प्लस का आवेशित इलेक्ट्रोड है, इस पे कैल्शियम माइनस जाएगा। तो इस प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटनी अपचयन से हम एल्युमिनियम को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसके हम विस्तार से देखते हैं कि धातुओं का परिष्करण कैसे हम करेंगे विद्युत अपघटनी परिष्करण से। तो ऊपर भी जो अपचयन प्रक्रम से हमने धातुओं को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं, जो अपचयन के प्रक्रम से हमें प्राप्त धातु होती है, ये क्या कहते हैं, ये शुद्ध हमें नहीं प्राप्त होते, तो इनके अपद्रव्य होते हैं। इनमें जो होते हैं अपद्रव्य होते हैं, मतलब कि इनमें कुछ गंदगी पाई जाती है, कुछ कण इसमें रह जाते हैं, तो जिससे हटा करके शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। इसे हटा करके हम शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं। धातुओं में अपद्रव्य को हटाने के लिए, जो धातु होते हैं उनमें अगर हम अपद्रव्य को हटा रहे हैं, तो सबसे अधिक प्रचलित विधि जो है वो विद्युत अपघटनी परिष्करण है। जो सबसे प्रचलित विधि है वो विद्युत अपघटनी परिष्करण है। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण ये है क्या? विद्युत अपघटनी परिष्करण, तो कॉपर, जिंक, टिन, निकिल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी जो अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, इन सब का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। तो इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु जो है वो एनोड, अशुद्ध धातु जो होती है वो एनोड का मतलब कि ये धन धन आयन पे शुद्ध धातु की पतली परत का कैथोड बन जाता है, ऋण आयन पर शुद्ध धातु का, और अशुद्ध धातु जो होगी वो धन आयन पे। तो लवण धातु के जो लवण विलयन का उपयोग हम विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग करते हैं, उसे 3.12 के अनुसार हम व्यवस्थित करते। तो हमने देखा कि हमारे पास एक अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है और एक टैंक है। ये जो आपको इतना दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये अपद्रव्य है। ये क्या है? ये अपद्रव्य है, जिसे हम एनोड पंक भी कहते हैं। तो ये हमारा एनोड का एक क्षण है और ये कैथोड का क्षण है। तो यहाँ पे हमने इसे कुंजी लगा दिया और ये हमने बैटरी से इसे संयोजित कर दिया, तो इसमें यही क्रिया होगी। तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण अम्लीकृत कॉपर सल्फेट के विलयन विद्युत अपघट्य है। जो तांबे के में विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है, तो वो अम्लीकृत कॉपर सल्फेट के विलयन जो होते हैं वो विद्युत अपघट्य होते हैं। तो हमें अगर जिस धातु को प्राप्त करना है, तो हमें उसी धातु के विलयन सल्फेट को उसमें डालना होगा। तो विद्युत अपघट्य में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब एनोड की जो स्थित होती है, तो अशुद्ध धातु धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाते। जो अशुद्ध धातु होती है वो विद्युत अपघट्य के द्वारा उस में विलयन में घुल जाती। तो इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु
जितनी मात्रा में अशुद्ध धातु उस बिलियन में घुलेगा, उतनी ही मात्रा जो है शुद्ध धातु जाकर के किस पे, कैथोड पे उस पे चिपक जाएगा, निक्षेपित हो जाएगा। तो विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाएंगी तथा अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पे निक्षेपित हो जाएंगी। जो विलेय अशुद्धियां होंगी वो तो विलयन में चली जाएंगी, और जो अविलेय होंगे वो एनोड तली पे आकर के वो उसके नीचे बैठ जाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, एनोड पंख कहेंगे। तो अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारे प्रश्न क्या हैं, हमारे प्रश्न है कि निम्न पदों को आप परिभाषित कीजिए। खनिज क्या होता है? खनिज हमने देखा कि जो पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो धातु या यौगिक होते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। और अयस्क किसे कहते हैं? तो खनिज में जैसे हमारे आएंगे कि ऐसे आपका आ गया कॉपर, उसके बाद चांदी, सोना, ये सब आएगा। तो अयस्क क्या होता है? वे खनिज, ऐसे खनिज जिनमें किसी विशेष धातु, ऐसे खनिज जिसमें किसी विशेष धातु की मात्रा सबसे अधिक हो और उसे निकालना बहुत ही लाभकारी हो, तो उसे हम अयस्क कहते। तो गैंग क्या होता है कि पृथ्वी से जो हम खनिज प्राप्त करते हैं वो अयस्कों में उपस्थित जो अशुद्धियाँ होती हैं, पृथ्वी से प्राप्त खनिज में जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें हम गैंग कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसे कौन से दो धातु हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? तो इसमें आता है आपका सोना, जिसे आप गोल्ड कहते हैं, और प्लेटिनम। क्या आएगा? प्लेटिनम। ये दोनों होती हैं धातु। तो धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए हम किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग करते हैं? अगर हम किसी भी धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना है तो हम उसमें क्या करेंगे, उसे गर्म करके उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जो उच्च क्रियाशील होते हैं उन्हें तो हम विद्युत अपघटनीकरण के द्वारा कर सकते हैं, और जो बहुत कम अपक्रियाशील होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं उसे अगर हम गर्म करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका था HgS सल्फाइड के रूप में था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसे हमने गर्म किया, तो इसे हमने गर्म किया तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था Hg+SO ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन ये हुआ ऑक्सीजन HgO, तो ये ऑक्साइड है। क्या है? ऑक्साइड। तो इससे हमें Hg प्राप्त हो गया। और जो मध्यम अपक्रियाशील होते हैं उनमें कार्बन जैसे उपचायक का उपयोग कर हम उसे निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ले लीजिए जिंक, हमने लिया यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इससे हमें क्या मिलेगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इससे हम मध्यम क्रियाशील के धातुओं का ऑक्साइड से उसका निष्कर्षण कर सकते हैं, और जो अधिक अपक्रियाशील होते हैं उसे विद्युत अपघटनीकरण की प्रक्रिया से हम कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम संक्षारण के बारे में